निलेश निलेश हाँ? निलेश कौन है? मुझे क्या मालूम? ये निलेश है, कैरी का मंगेतर। कैरी कैरी भूलना मत मुझे। सीविंग बाय पीपी। बाय कैरी। हाँ खिमजी, हाँ भाई, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस सरस। अच्छा ये बता, इस साल दिवाली में वो बैलगाड़ी की रेस कभी रखी है? याद है ना, जवानी में मैं तुझे कैसे हरा दिया करता था। ओ अच्छा, इस साल तेरे बेटे ने हिस्सा लिया है? अरे वाह वाह वाह। अरे नहीं भाई नहीं, अरे जेठा क्या बैलगाड़ी की रेस में हिस्सा लेगा? अरे वो तो बैल को देखते ही बंदर की तरह उछलने लगता है। क्या क्यों? अरे बचपन में एक बार उसे बैल ने सिंग मार दिया था तो तब से उसके मन में डर बैठ गया है। और सुन, वो श्याम जी, रव जी, वो वसराम, सबको मेरी तरफ से वो दिवाली की शुभकामनाएं देना है। हाँ, जय जिनेंद्र। बापूजी हाँ, दिवाली मुबारक हो। हाँ खुश रहे। बापूजी दिवाली मुबारक हो। सुकीता सुकीता बहू सुकीता, हमेशा खुश रहे। भगवान करे तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो, तू कभी दुखी ना हो। बापूजी है क्या, बेटे और बहू में इतना भेदभाव? बहू को होलसेल में आशीर्वाद दिया और मुझे सिर्फ खुश रहो है? अरे जेठिया, बहू घर की लक्ष्मी होती है, और घर की लक्ष्मी अगर खुश रहेगी तो हम सब ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। वो तो है बापूजी। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और हाँ बापूजी, शाम को 7 बजे वो चोपड़ा पूजन है तो आप लोग समय से पहुँच जाना दुकान पे। ठीक है। अच्छा मैं क्या कहती हूँ कि आप थोड़ी देर रुक जाओ, तो हम सब अभी आपके साथ चलते हैं। क्यों अभी क्यों? नहीं क्या है, चोपड़ा पूजन है तो कुछ तैयारी वैयारी करनी होगी। नहीं नहीं नहीं, वो सब नटू काका ने कर ली होगी तैयारी। तुम लोग शाम को 7 बजे बराबर पहुंच जाना है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है। चलो बापूजी। जय जिनेंद्र। टप्पू टप्पू, ये फटाका घर में नहीं फोड़ने के बेटा, बाहर फोड़ने के। चलो बाहर फोड़ो बाहर फोड़ो। अरे पापा ये फटाके नहीं बंदूक है, इसमें सिर्फ टिकली है, ये देखो। अरे बेटा टिकली हो या टकला हो? मतलब टिकली हो या बिकली हो, सब सब बेटा बाहर फटाके फोड़ने के। बेटा चलो जाओ बाहर, जाओ बाहर जाके फोड़ो। टप्पू इधर आ इधर आ। ये भाई बचपन में तू गेहूं के खाली डिब्बे में फटाके फोड़ के भाग जाता था, भूल गया? बापूजी इस तरह बार बार बचपन की बातें याद करा करा क्या भूलने कहाँ देते हैं। चल अबे। अच्छा बापूजी ये बचपन में इतने शरारती थे? हाँ तो तब क्या हुआ? बंदरा दिखा तो अब क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई, दुकान नहीं जाना? बस जा रहा हूँ बापूजी। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापा। चलो जय जिनेंद्र। शाम को 7 बजे पहुँच जाना टाइम पे। बहुत हंसी आ रही है ना, तो बाद में मिल दिखाता हूँ मैं तुझे। अरे टपुड़ा थोड़ा दूर रख भाई। दादाजी आप भी फोड़ो ना देखो। ए नहीं भाई नहीं, तू फोड़ तू फोड़। दिवाली ना दिवस मा घर घर दीवा था, फटाकड़ा फट फट फूटे ने चारे कोर फंटा। अरे जयंती भाई हैप्पी दिवाली। दूधा भाई हैप्पी दिवाली है। और जामनगर में मेरे लिए कोई प्लॉट वोट हो तो बताना हम भाई। जरूर। चलो आओ जो है आओ जो। बबीता जी, इस साल आपके बगैर दिवाली दिवाली नहीं लग रही है। क्या जेठालाल,
कहाँ देख रहे हो? अरे मेहता साहब। अरे अभी उधर देखने का कोई फायदा नहीं है, गोकुल धाम में नहीं है दिवाली की रोशनी, कलकत्ता गई भी है। आहिस्ता बोलियो भाई, क्या कर रहे हैं? फिर भी हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। क्या तोरण वोरण लग रहा है? कुछ मदद करो। अरे नहीं भाई, एक तो दिवाली आती है साल में, और ये छोटे छोटे काम करने का मजा ही कुछ और है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ओहो मेहता साहब ये देखिए। क्या भाई? एक बात तो बोलनी पड़ेगी, अपनी सोसाइटी को भीड़े से अच्छा सेक्रेटरी नहीं मिल सकता है। बहुत मेहनती है। कितनी मेहनत है? बहुत, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। क्या भीड़े? देख रही है भीड़े? पागल है क्या? क्या रही है? Nonsense. Sorry, जेठालाल। अरे क्या सॉरी क्या? पानी उड़ा रहा है इधर। जेठालाल वो जानबूझ के नहीं कर रहा। अरे जानबूझ क्या कर रहा है, दिवाली में होली खेल रहा है पागल। अभी मैं तुम्हारे ऊपर उड़ाऊ पानी? ला उड़ा दो, ला पाइप ला, पाइप ला, अभी पता चलेगा, ला ला। अरे यार पाइप ला। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भाई। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तुम भी कमाल के हो जेठालाल, मुझे लगा झगड़ा करोगे। अरे भाई इतना भी कमाल का नहीं होगा, दिवाली के दिन झगड़ा करो है? फिर ये ले लो अब्दुल, पकड़ जरा। लेकिन बोलना पड़ेगा भीड़े, हाँ साफ सूफ करके बुरी सोसाइटी एकदम चमका दी तुमने यार, है? तुम्हारा पगार बढ़ाना पड़ेगा। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। तुम भी जेठालाल। बात मजाक की नहीं है जेठालाल, क्या है सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि पूरी सोसाइटी को एकदम चमकदार रखूं। वो कहते हैं ना कि स्वच्छता जैसा घरी लक्ष्मी तेथे वास करी। करेक्ट। अरे अरे बोल, समझ में नहीं आया क्या? अरे स्वच्छता जहाँ पर होती है लक्ष्मी का वास असल में वहीं पे होता है। समझा अब्दुल? ओ माला समझ ल। चलो मैं निकलता हूँ। चलो रखो, चलो रखो, सब सब चलो रखो, मिलते हैं रात को, रात को मिलते हैं। ओके ओके भिड़े अब्दुल। हाँ ओके ओके, तो पूरा वहाँ पे ड्रेनेज वहाँ पे। देखिए अगर आप लोग ये LCD खरीदेंगे तो उसके साथ ये DVD आपको फ्री मिलेगा। इसमें नई बात क्या है, वो तो सभी देते हैं। अगर आप DVD पे LCD फ्री दो तो मैं मानूं। देते हैं ना भैया, वो भी देते हैं। देखिए अगर आप ये DVD खरीदेंगे तो ये LCD फ्री। अरे वाह, तो हम यही DVD खरीदेंगे। तो ये DVD है कितने का? सिर्फ 35,000। आप बड़े उस्ताद निकले चाचा। अरे भाई पिछले 35 साल का अनुभव जो है। तो क्या करें? क्या करें क्या, पापा को बोलो ले लो। ओ चाचा बीवी है मेरी। I'm sorry। आइए आपका नाम और पता लिखवाइए ताकि आपको शाम तक माल की डिलीवरी मिल जाएगी। क्या नाम? शेखर गड़िया। हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली। जेठा भाई ये क्या दिवाली में दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाया? लेट उठ गया जेठा भाई। ये देखो कैसा चकाचक दाढ़ी बना के बैठा है। बनाओ बनाओ दाढ़ी। हैप्पी दिवाली। सेठ जी, सेठ जी, बोला हो गया? हाँ सेठ जी, आज तो सवेरे से अब तक मैंने 2 फ्रिज, 3 LCD TV और 2 वॉशिंग मशीन बेचे। अरे वाह वाह, शाबाश शाबाश नटो काका, वाह। अरे सिट्ठी, आपको मालूम है बाजू वाले भूपेंद्र भाई RK इलेक्ट्रॉनिक्स वाले है ना, उन्होंने अपने पूरे स्टाफ को दिवाली के अवसर पर 2-2 पगार बोनस में दिए। अच्छा? हाँ। चलो इस दिवाली पर मैं अपना स्टाफ को 4-4 पगार बोनस देता हूँ। अरे वाह सेठ जी, सच कह रहे हैं आप, मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? आपको कैसे पता चला मैं मजाक कर रहा हूँ?
साला बोनस बोनस की बातें छोड़ो, ओ शाम को चोपड़ा पूजन है, उसकी तैयारी हो गई साहब। अरे सेठ जी, नटू काका के कोई काम में अभी तक कमी आई है? सब ए टू जेड रेडी है। चलो तो पंडित जी कितने बजे आ रहे हैं? वो तो आपको पता, पंडित जी को तो आप बोलने वाले थे ना। नटू काका, मैंने आपको बोला था, वो भी एक बार नहीं तीन तीन बार याद दिलाया था, देखना भूलना मत, देखना भूलना मत, देखना भूलना मत। फिर एंड मौके पे पंडित जी मिलते नहीं है, अभी बिना पंडित के कैसे करेंगे चोपड़ा पूजन? अभी शाम को बापू जाएंगे, उनको पता चलेगा पंडित नहीं है, वो मुझे डांटेंगे। मिल गया मुझे दिवाली बोनस। अरे शांत शांत सेठ जी शांत, पंडित जी को मैंने बोल दिया है। अभी आप मेरा कैसा मजाक कर रहे थे बोनस के बारे में, ऐसे मैंने भी आपका मजाक किया। दिवाली के दिन गुस्सा अच्छा नहीं। दिवाली मुबारक। दिवाली मुबारक नटू काका, दिवाली मुबारक। नटू काका दिवाली मुबारक। अरे बस 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 सेठ जी, सदा सुखी रहिए, आने में रहिए, और इस साल से मेरी पगार बढ़ा दीजिए। संभल के बेटा, जल्दी हो, जल्दी जल्दी। अरे अंजलि भाभी दिवाली मुबारक। अरे तमने पण दिवाली नी खूब शुभेच्छा। क्या है कि अभी हम लोग दुकान जा रहे हैं, चोपड़ा पूजन है। हाँ? तो मुझे लेट हो रहा है, तो आप हमारे घर पर दिया कर देंगे? अरे दया भाभी, ये कोई कहने की बात है, जरूर कर दूंगी। थैंक यू। मैं आपको चाबी दे देती हूँ। मेरे पास चाबी है। हाँ? आप निश्चिंत होकर जाइए। थैंक यू। दिवाली मुबारक। दिवाली मुबारक बेटा। प्रणाम बाबू जी। पूर्णत पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सुशांति ही भवति। मिठाई तो दीजिए। हाँ दे रहा हूँ बापू जी। ले नटू, तेरे लिए ये मिठाई और ये शगुन। धन्यवाद बापू जी। काका इसमें आपका दिवाली बोनस है, डबल पगार। सेठ जी ये क्या? हाँ। अरे भाई मैं चाहता था शाम को बापूजी अपने हाथ से आपको ये बोनस दे, इसलिए सुबह नहीं दिया। सेठ जी मैं तो सोचता था कि आपका दिल 14 इंच के टीवी की तरह बहुत छोटा है, मगर आपका दिल तो 52 इंच के LCD टीवी की तरह बहुत बड़ा निकला। नहीं सेठ जी, एक तो दिया आपने। अरे ये वही है, वो ताला मार रहे थे, आपने मेरे हाथ में पकड़ाया था ना। अच्छा जी। जी जी बापूजी। चलो हैप्पी दिवाली है। बेटा बाय। अरे रिक्शा बापूजी, ये टाइम पे इधर से रिक्शा नहीं मिलेगा, गली का नाके तक जाना पड़ेगा जरा। चलो ठीक है, चलो रिक्शा। एक मिनट बाबूजी। क्या हुआ? लगता है मेरा मोबाइल दुकान में रह गया, आप लोग रुकिए मैं लेकर आता हूँ। क्या पापा, अब और लेट हो जाएगा। टप्पू टप्पू जेठा, एक काम कर, बहू और टप्पू को आगे जाने दे, क्योंकि हमारे पास वैसे भी इतना सामान है और हम चार जाने तो एक रिक्शा में जमेगा नहीं, तो दो रिक्शा कर लेते हैं। ठीक है बहू टप्पू, तुम लोग आगे जाओ, हम लोग आते हैं। नहीं दादाजी, आप मेरे साथ आओ ना प्लीज। टप्पू जिद मत कर, तुझे फटाके फोड़ने हैं ना,
हाँ तो देखो बेटा, बापूजी और तुम्हारे पापा पीछे पीछे आ ही रहे हैं ना, जिद मत करो ना, चलो ना। हाँ तुम लोग निकलो निकलो, मैं आता हूँ बाबूजी मोबाइल लेके। हाँ, हाँ। रिक्शा 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 खड़ी रखो भाई, चलो बेटा। जय जिनेंद्र बापूजी, चलो। जय जिनेंद्र, बाय बाय। बच्चों लो, दिवाली की मिठाई है, लो खाओ और मजे करो, हैं खाओ। ओ ओ हैप्पी दिवाली के कितने मैसेज। अरे बापूजी, लगता है वो भी इनके साथ निकल गए। ये टप्पू भी ना आजकल बहुत जिद्दी हो गया है। रिक्शा गोकुलधाम सोसाइटी ले लो। ये जेठिया अभी तक क्यों नहीं आया? अरे दुकान तो बंद है, तो ये जेठिया गया कहाँ? कहीं मुझे छोड़ के चला तो नहीं गया? एक नंबर का भुलक्कड़ है बबूचा। कैसे हो? बस बस रुकाइए, बस कितने रुपए हुआ भाई? लीजिए, चलो बेटा। अरे अरे टप्पू, मम्मी जल्दी, मम्मी मुझे पटाखे फोड़ने जाने, मुझे जल्दी पटाखे दो मम्मी जल्दी। नहीं नहीं बेटा, देखो पहले खाना खा लो, बाद में पटाखे फोड़ना। नहीं मम्मी, अभी दुकान में मिठाई खा खा के मेरा पेट भर गया, मुझे भूख नहीं है। अच्छा बाबा, तुम्हारे पटाखे वहाँ अंदर होंगे, देखो। बस 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 बस, बीस हुआ ना, चलो 30 रखो, दिवाली है, मौज करो। ओहो वाह वाह, ओ हो हो क्या बात है, दिवाली में पूरा घर को चकाचक कर दिया तूने। थैंक यू। आ गए आप? क्या लग रहा है तुम्हें? अरे आ गए, क्या आप भी है? मम्मी अगर फटाके कितने नहीं है। अरे पापा आप आ गए? पापा दादाजी कहाँ? कहाँ है मतलब? तुम्हारे साथ नहीं आए? नहीं, वो तो आपके साथ आने वाले थे ना। हाँ मेरे साथ आने वाले थे, लेकिन मैं दुकान से मोबाइल लेके वहाँ पहुँचा तो बापूजी उधर नहीं थे, तो मुझे लगा तू जीत करके बापूजी को अपने साथ ले आया घर। नहीं हमारे साथ नहीं है। तू तो कहाँ गए बापूजी? बापूजी अरे बापूजी ने बचपन से आपको डगर डगर पर संभाला, और आज आप बापूजी को किस डगर पर छोड़कर आए? अरे पापा आप दादाजी को ऐसे कैसे भूल सकते हो? अरे भाई मैं नहीं बुला तुम। एक्सक्यूज मी, बाबू चक जेठिया यहाँ रहता है? Joy to the
हुकन। अरे अजय भाई आप खुद हमारे घर पर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अजय देवगन हमारा घर में, अरे चमत्कार बैठिए। एक मिनट, ये चंपक भाई आपके क्या लगते हैं? मेरे बाबूजी। आपको पता है इस वक्त आपके बाबूजी कहाँ हैं? इस वक्त कहाँ है मतलब? क्या हुआ मेरे बाबूजी को? आदमी को अच्छी खबर मिले तो भी शौक लगता है और बुरी खबर मिले तो शौक लगता ही है, लेकिन दोनों ही खबरें एक साथ मिल जाए तो? ऐसी ही पोजीशन है आज हमारे मित्र जेठालाल की। पहली तो खबर ये कि सुपरस्टार अजय देवगन उनके घर के दरवाजे पे, और दूसरी खबर जिसने सचमुच शौक में डाल दिया पूरे गड़ा परिवार को कि आखिर चंपक चाचा इस वक्त कहां है। चंपक चाचा का कोई पता नहीं है, टेंशन बहुत ज्यादा है। एक तरफ सुपरस्टार है उनके परिवार के साथ और दूसरी तरफ ये खबर कि आखिर चंपक चाचा गए कहां। इतना टेंशन, कहीं दिवाली के अवसर पे कोई बड़ा बम तो नहीं फूटने वाला है? भाई टेंशन कितना भी हो, आपके लिए तो सिर्फ हंसी ठहाके और बहुत सारे हंगामे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। इंतजार कीजिए दिवाली पे क्या धमाका है। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।